नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ परवल की बेहद ही खास और इंटरेस्टिंग रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाओगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए दोस्तों रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ले लेने हैं कुछ परवल और इनको दो हिस्सों में हमें कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े थोड़े आगे और पीछे से कट कर दिया है और बीच में से इसके दो हिस्से कर लिए हैं। बस ठीक इसी तरीके से आपको कट कर लेने हैं। सारे परवल अच्छे से कट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें से आपको बीज निकाल लेने हैं। मैंने लगभग सारे बीज निकाल लिए हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब सारे परवल इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी हमें परवल को डीप फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी दोस्तों। एक एक करके मैंने सारे परवल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब किसी भी जालीदार चीज़ से हमें इसे अच्छे से घुमाते रहना है, ताकि कहीं से भी ये ख़राब ना हो, कहीं से भी ज़्यादा जले नहीं और अच्छे से ये डीप फ्राई हो जाए। दोस्तों जब तक ये फ्राई होता है, तब तक हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें साबुत धनिया डाला है, लाल मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची डाली है और दालचीनी डाली है। साथ ही दोस्तों मैंने इसमें अदरक डाला है, हरा धनिया डाला है और दही भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया है और अब इसे अच्छे से पीस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम अपने परवल की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरीके के ये हमें चाहिए थे। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, ताकि सारा का सारा ऑयल बाहर निकल जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे परवल अब बाहर निकाल लिए हैं और इनमें से तेल भी अब बाहर निकल चुका है। और दो आलू इसी तरीके से हमें फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, तो चलिए दोस्तों हम इसे अब तड़का भी लगा देते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है और प्याज डाल दिया है एक कटा हुआ छोटा, और अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। जब दोस्तों इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए, तब इसमें हम ऐड कर देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी। और अब जो हमने मसाला रेडी किया था, बस वही इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अब भून लेंगे और थोड़ा सा पानी भी वही मसाले वाला इसमें हम ऐड कर देंगे। अब चलते हैं, हम थोड़े से मसाले और डाल लेते हैं। स्वादानुसार नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला। अब इनको एक कड़छी की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग दही डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक देंगे। दही बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस रेसिपी में, इसीलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। बस अब इसे थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे और इसके बाद आप देखोगे कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं और ये परवल और आलू अब इस रेसिपी में हम डाल देंगे। आलू और परवल की दोस्तों ये सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बनकर रेडी होती है। एक बार दोस्तों आप मेरे स्टाइल से बनाओगे तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। आपको इसे ढककर छोड़ देना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है और इस पर आप अब धनिया डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अक्सर किचन में काम करने वाली महिलाओं के लिए ये काफ़ी बड़ी समस्या है कि वो लहसुन को कैसे छीलें।
अब मैं आपको बेहद ही आसान सी टिप देती हूँ कि आप लहसुन को बहुत ही आसान से तरीके के साथ कैसे छील सकती है। सबसे पहले आप किसी भी बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए और लहसुन को डाल दीजिए। कम से कम आप 10 मिनट तक लहसुन को पानी के अंदर ही रहने दीजिए। जब पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप इसे बाहर निकाल लें। पानी थोड़ा नॉर्मल हो चुका है इसीलिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको इसे छील कर दिखाऊंगी। ये बेहद ही आसान से तरीके के साथ छील जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका छिलका कितने आसानी से निकल रहा है और ये देखिए आधा तो अपने आप ही छिल गया है और ये बेहद ही आसान से तरीके के साथ छिल जाएगा। तो आप ये टिप कैसी लगी? आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये छिलका उतर रहा है। तो आप भी अपने किचन में ये टिप अपनाइए और आपका समय भी बचेगा और आप बहुत ही आसानी से अपने किचन का काम कर पाएंगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली बेहतरीन टिप की तरफ। अगली टिप है जार को लेकर। मिक्सी के जार अक्सर हमारे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें साफ़ करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसे साफ़ करने के लिए आप ले लीजिए गर्म पानी और एक बाउल में डिप कर दीजिए मिक्सी के जार को और साथ ही उसमें डाल दीजिए विम बार। अब इसकी अच्छे से झग्गी बना लीजिए और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी नमक की। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने अब लिया है विनेगर भी। इसकी शाइन लाने के लिए हमें नमक और विनेगर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब मैंने एक ब्रश लिया है और एक ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से घिसना शुरू कर दिया है। आप देखोगे कि बेहद ही जल्दी ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे 2-4 मिनट के लिए डिप करके भी रख सकते हैं। मैंने इसी तरीके से दूसरे जार को भी लिया है और इसको मैंने 2-4 मिनट के लिए अच्छे से घिस के इसी के अंदर रख दिया था ताकि ये अच्छे से गंदगी को साफ कर सके। आप देख सकते हैं कि गंदगी बेहद ही ज़्यादा और बेहद ही आसानी से साफ हो रही है। आप देखोगे कि ये जार बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। पहले बेहद ही ज़्यादा गंदगी थी। अक्सर हमारे खाने में इसी तरीके की गंदगी जाती है अगर हम इसे अच्छे से साफ ना कर पाए। मैंने ब्रश की मदद से इसके हर कोने को साफ किया है और अभी मैं आपको इसे वॉश करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना नया जैसा हो गया है, इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है।